कक्षा छह के प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो पाठ चल रहा था सो का शस्त्र त्याग, उसके अंदर हम बात कर रहे थे शब्द ज्ञान में। शब्द ज्ञान में जैसे पिछले वीडियो में आपने सम्मति सूचक शब्दों के यानी समानर शब्दों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी, समश्रुति शब्द थे। आज हम बात कर रहे थे एकार्थ शब्द। एकार्थक शब्द क्या होते हैं देखिए, एकार्थक शब्द ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ समान नहीं होता है, वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र दोनों ही हथियार होते हैं, लेकिन अस्त्र वह है हथियार जो हम फेंककर चलाया जाता है, जैसे तीर है, बंदूक है, पत्थर फेंकना आदि। शस्त्र वह हथियार जो हम हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, जैसे तलवार है, लाठी है आदि। इसी तरह से देखिए बहुमूल्य आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 84 के ऊपर आपके ये दिए हुए हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपके एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के उदाहरण। अबला, कोई भी साधारण स्त्री या औरत, दुर्बल शारीरिक रूप से कमजोर स्त्री। अभिमान, पैसे या ताकत का गर्व या घमंड। अहंकार, सत्ता या शक्ति का घमंड। इसी तरह से अवस्था, उम्र का एक भाग, बुढ़ापे की अवस्था, आयु पूरा जीवन। आज्ञा और आदेश, पत्नी और स्त्री, प्रणाम और नमस्ते, पुत्र बालिका, उत्साह साहस, अमूल्य बहुमूल्य पुत्र बालक, अधिक पर्याप्त, पुराना और प्राचीन। इस तरह के जो ये उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इनके साथ ही देखिए आज आओ करें साथ, आओ करें साथ के अंदर सही शब्द का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है, कि जिस तरह से उसने अस्ता, तो अब देखिए यहाँ पर फेंक कर मारा, तो फेंक कर मारने पर घायल कर दिया, फेंक कर किस चीज से मारा जाता है, अस्तर, तो यहाँ पर आप लिखोगे अस्तर। इसी तरह से उसने से ऊपर वार किया, शस्त्र उसके ऊपर वार किया, क्योंकि उसमें हाथ में थी। वह मास्टर जी को क्या बोलता है देखिए, वह मास्टर जी की पुत्री है, वह बालिका बहुत प्यारी है, वह प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करता है, वह अपने साथियों और अपने से छोटों को मिलते ही नमस्ते करता है। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसी तरह से आपके पेज नंबर 85 के ऊपर कुछ और दिए हुए हैं, उसमें प्रत्येक कार्य करने का साहस है, वह समय और साधनों का अभाव भी उसके उत्साह को कम नहीं कर सकता। दादी की दी गई घड़ी उसके लिए अमूल्य उपहार है, कि उसे गले में बहुमूल्य हार पहन रखा। इसी तरह से फिर हम भाषा की बात करेंगे, भाषा की बात में काल जो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज आपको एकार्थ प्रतीत होने वाले यानी एकार्थक शब्दों के बारे में लिखना है और इनको याद करना है। नमस्कार।